नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल एमएससी अकेडमी में, जहां हम लोग एसी एनालिसिस पे फोकस किए हुए हैं। तो सभी को एक मेरे तरफ से धन्यवाद। हमने जो मुहूर्त जो शुरू किया था मुहिम, उसमें हम लोग दो फेज, फर्स्ट फेज और सेकंड फेज दो खत्म कर चुके हैं। तीसरा जो फेज है वो आज से शुरू है। पहला फेज क्या था? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, वी डिड इट वेरी नाइसली एंड सक्सेसफुली। सेकेंड फेज था एसी एनालिसिस का, एसी भी हम लोग डन कर चुके हैं। कल एसी का लास्ट लेक्चर था, जिसमें हम लोग एसी अल्टरनेटिंग करंट और डीसी डायरेक्ट करंट के बीच में तमाम डिफरेंसेस देखने को मिला। यदि आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है, कृपया करके उस वीडियो को जरूर देखें, तथा अपना जो भी कंफ्यूजन है या जो भी आप कुछ देना चाहते हैं उसमें जरूर कमेंट बॉक्स में दें। ठीक है, एसी एनालिसिस हो चुका है। जो तीसरा पॉइंट है वो है एसी मशीन्स, यानी कि मशीन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे जो कि एसी ऑपरेटेड है, यानी कि एसी से चलने वाली मशीन के बारे में डिस्कस करेंगे। मैंने बताया था एसी एनालिसिस के बारे में जो मशीनें होंगी, हमने बताया था तीन मशीन के बारे में हम लोग केवल डिस्कस करेंगे। एक अपना ट्रांसफार्मर होगा, दूसरा अपना मोटर होगा और तीसरा अपना जनरेटर होगा। सो टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट माय जर्नी विद द ट्रांसफार्मर। आज मैं ट्रांसफार्मर सोचूंगा कि खत्म हो जाए, देखते हैं नो कितना जाता है। ठीक है, खैर मुझे खत्म करना है ट्रांसफार्मर, जनरेटर एंड मोटर, थ्री टॉपिक्स। सो बिगन द टॉपिक, आई एम गोइंग टू बिगन विद द ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो चलिए मेरे साथ बने रहिए। आज मैं प्रैक्टिकली दिखाऊंगा ट्रांसफार्मर क्या है, ट्रांसफार्मर किसे कहते हैं, कौन कौन से लॉसेस होते हैं, कहाँ यूज होता है ट्रांसफार्मर का, और ये किस प्रकार की डिवाइस है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग ट्रांसफार्मर। हेडिंग भी देख रहे होंगे आप, ट्रांसफार्मर लिखा हुआ है। तो लेट अस टॉक अबाउट द ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर एक ऐसी डिवाइस है जो आमतौर पर हर जगह पर पाई जाती है, मतलब कि आप घर गाँव में भी जाए, गांव बाहर शहर में जाए, शहर पे ट्रांसफार्मर मिल ही जाएगा आपको देखने को। ट्रांसफार्मर क्या होता है? तो ट्रांसफार्मर एक ऐसी स्टैटिक डिवाइस होती है जो कि म्यूचुअल इंडक्टेंस पे बेस्ड होती है। अब म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है? म्यूचुअल इंडक्टेंस आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में बताया जा चुका है, खैर मैं बताता हूँ फिर से। म्यूचुअल इंडक्टेंस इज ए प्रोसेस ऑफ इंडक्टेंस इन विच व्हेन द करंट लिंकिंग विद ए कॉइल गेट्स चेंजेस देन ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन द नेबरिंग कॉइल। यानी कि यदि किसी कॉइल में फ्लो होने वाली करंट या फ्लक्स में हम चेंजेस करते हैं, तो होता यह है कि उसका जो नेबरिंग कॉइल है, उसके जो बगल में कॉइल है, उसमें एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। यही प्रिंसिपल है। जो ट्रांसफार्मर है एक स्टैटिक डिवाइस है, जो कि यदि हम कंस्ट्रक्शन वाइज बात करें तो कंस्ट्रक्शन वाइज मैं अभी प्रैक्टिकली आपको ट्रांसफार्मर दिखाता हूँ। ठीक है, तो मैं अभी प्रैक्टिकली आपको दिखाता हूँ कि आखिर ट्रांसफार्मर क्या है, तो आपको ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। देखिए, ये रहा ट्रांसफार्मर, ये एक एग्जांपल है ट्रांसफार्मर का। दिस इज, ऐसा बहुत सारे एग्जांपल्स होंगे एसी एनालिसिस में, जब 33 वोल्ट से 11 वोल्ट, 33 केवी से 11 केवी, 11 केवी से 440 केवी, या 440 से 220, जो भी हमें करना होता है विद द हेल्प ऑफ ट्रांसफार्मर करते हैं। अभी मैं बताऊंगा ट्रांसफार्मर के बारे में बिहार। अभी आप देख लीजिए ट्रांसफार्मर क्या है। ये जो आपको दिख रहा है, ये जो रेक्टेंगुलर एक जो दिख रहा है, यही इसका कोर है, जो मैंने रेड कलर से यहाँ बनाने का प्रयास किया है। अंदर में जो आपको दिख रहा है, अंदर में बाइंडिंग्स हैं, देख रहे हैं आप, ये बाइंडिंग्स हैं, ये बाइंडिंग वायर्स हैं, इसे को हम लोग क्वाइल बोलते हैं। ठीक है, दो बाइंडिंग्स होती हैं ट्रांसफार्मर में, तीन बाइंडिंग वाले ट्रांसफार्मर भी होते हैं। अभी आप समझिए, यहाँ दो बाइंडिंग है। अभी देखिए, एक मोटा वायर है और एक पतला वायर है। ठीक है, और एक प्राइमरी है क्वाइल और एक सेकेंडरी। प्राइमरी अंदर है कि बाहर है, सेकेंडरी अंदर है कि बाहर है, वो बाद की बात है। अभी आप समझिए, प्राइमरी किसको कहते हैं, सेकेंडरी किसको कहते हैं, बहुत लोग परेशान रहते हैं इस बात में। आप समझ लीजिए, आप जिसमें करंट दे रहे हैं वही प्राइमरी है, और करंट जिसमें इंड्यूस हो रही है वो सेकेंडरी है, चाहे वो बाहर हो, भीतर हो, जो भी हो, समझ रहे हैं। यदि मैंने इसमें दिया करंट और इंड्यूस हुआ इसमें पतले वाले में, तो उस ये प्राइमरी हुआ, ये सेकेंडरी। मैंने इसमें दिया, इसमें इंड्यूस हुआ, तो ये प्राइमरी हुआ, ये सेकेंडरी। सो इशू ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी मस्ट नॉट बी देयर विद यू, व्हिच एवर द कॉइल गेटिंग करंट by you, that is primary, and the second coil which is getting induced current, that is secondary. समझ गया? तो ये primary, secondary, ये देखिए core होता है। core actually क्या होता है? ये देखिए, core जो है magnetic material से बना होता है। देखिए, ये iron है, ये iron cast iron का बना होता है, देखिए। और अगर आप देख रहे हो तो ये laminated है, core को laminate किया गया है। मैं जब ED current पढ़ा रहा था electromagnetic induction में, उस दिन ही मैं बताया था कि मैं बताऊंगा कि आखिर ट्रांसफार्मर के दिन, मैं एक दिन और आऊंगा ईडी करंट क्लास के बारे में, आज ये वो दिन आज ही है। ठीक है, तो ये दिन देखिए, ये कॉइल है, ये कॉइल है, और ये कॉइल है, ये आपका ट्रांसफार्मर कोर है। जो ट्रांसफार्मर का कोर है,
एक्चुअली वो क्या किया गया, इलेमिनेटेड किया गया है, पतले पतले सिरों से जो है, पतले पतले जो है, पतले पतले भागों में बना हुआ है। और इसको देखिए विद द हेल्प ऑफ बोल्ट, हमने नट बोल्ट की मदद से इसको असेंबल किया हुआ है। उसके चारों तरफ जो है कॉइल बाइंडिंग लपेटी हुई है, एक बाइंडिंग के ऊपर दूसरी बाइंडिंग, प्राइमरी अंदर है या सेकेंडरी ऊपर है मान लेते हैं यही, ठीक है, यानी एक के ऊपर क्यों है इसको मैं डिस्कस करूंगा, एक के ऊपर एक रखने का फायदा क्या होता है, ठीक है, बगल में रखने का फायदा क्या होता है, सारे पॉइंट। तो उम्मीद है आपने ऐसा ट्रांसफार्मर देखा होगा, घर के बाहर भी ट्रांसफार्मर लगा होता है, जो जहां से आपकी सप्लाई आती है घरों में, वहां भी वो भी ट्रांसफार्मर ही है, वो बड़े स्तर का ट्रांसफार्मर है। तो ट्रांसफार्मर क्या होता है, तो ट्रांसफार्मर एक स्टैटिक डिवाइस होता है जो किसी एक वोल्टेज लेवल को, किसी एसी के एक वोल्टेज लेवल को या तो बढ़ाता है या तो घटाता है। बढ़ाने और घटाने के आधार पर हम लोग ट्रांसफार्मर को दो भागों में बांटते हैं, एक स्टेप अप और दूसरा स्टेप डाउन। स्टेप अप एंड स्टेप डाउन, इसका मतलब क्या समझ रहे हैं आप? स्टेप अप का मतलब यह होता है कि यदि वोल्टेज लेवल को हम दिए हुए लेवल से बढ़ा रहे हैं तो वो स्टेप अप हो गया, और दिए हुए वोल्टेज से हम वोल्टेज को घटा रहे हैं तो स्टेप डाउन हो गया। एग्जाम्पल के लिए सपोज करिए अभी हम 11/33 का ट्रांसफार्मर लेते हैं, यानी हमने प्राइमरी में 11 के भी इनपुट प्लान, प्राइमरी में हमने क्या किया है, 11 के भी वोल्ट का जो सप्लाई दिया है, और हमें सेकेंडरी साइड 11 के भी 33 के भी का आउटपुट चाहिए, उसे हम बोलेंगे स्टेप अप ट्रांसफार्मर। उम्मीद करता हूँ आप समझ रहे होंगे, यानी कि यदि 11 किलो वोल्ट को आप 33 किलो वोल्ट में बदल रहे हैं किसी ट्रांसफार्मर की मदद से, उसे हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहेंगे। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर वो ट्रांसफार्मर हुआ जो इसी का ठीक उल्टा करता है, यानी कि स्टेप अप के जगह पे ये स्टेप डाउन करता है, यानी कि यदि आप इसको 33 दें और ये 11 में कन्वर्ट करें तो इसको हम लोग बोलते हैं स्टेप डाउन। स्टेप डाउन का मतलब ये वोल्टेज के स्तर को, वोल्टेज के लेवल को घटाता है। सो स्टेप अप एंड स्टेप डाउन दो प्रकार के ट्रांसफार्मर होते हैं बेस्ड ऑन इंक्रीजमेंट एंड डिक्रीजमेंट इन द वोल्टेज लेवल। तो वोल्टेज लेवल को बढ़ाने और घटाने के आधार पर ट्रांसफार्मर दो प्रकार के हुए, स्टेप अप और स्टेप डाउन। उम्मीद रखता हूँ ये दोनों पॉइंट आपको क्लियर हो चुके होंगे। ये 11 के भी, 33 के भी, 66 के भी, 120, 132 के भी, इसी के ऑर्डर में ही जो है वोल्टेज लेवल यूजली पाया जाता है, 220 के भी, ठीक है, और उसको हम लोग बढ़ाते घटाते रहते हैं। तो ट्रांसफार्मर एक ऐसी मशीन है जो कि कॉन्स्टेंट फ्रिक्वेंसी पे बेस्ड होती है। पहली बात की ये स्टैटिक है, ये स्टैटिक है, स्टैटिक मतलब ये कहीं चलती नहीं है, स्टैटिक है। दूसरी बात की ये कॉन्स्टेंट फ्रिक्वेंसी डिवाइड है, कॉन्स्टेंट फ्रिक्वेंसी यानी कि यदि हम 50 वोल्ट एसी देते हैं, कितनी वोल्ट, 50 वोल्ट एसी अगर हम दे रहे हैं तो आउटपुट पे भी हमें 50 वोल्ट का ही एसी मिलेगा। वोल्टेज लेवल बदल जाएगा, यानी वोल्टेज अप हो जाएगा या तो वोल्टेज डाउन हो जाएगा, बस इतना ही अंतर है, बाकी और कोई अंतर बिल्कुल नहीं है, ठीक है। ये हमारी प्राइमरी साइड रही, सपोज करिए हम लोग मान लेते हैं P1 P2, ये प्राइमरी साइड रही, और इसको हम लोग मान लेते हैं सेकेंडरी साइड, इसको मान लेते हैं S1 और S2। P refers to primary and S refers to secondary। होता क्या है, जब हम प्राइमरी साइड ऑफ ट्रांसफार्मर को किसी एसी से कनेक्ट करते हैं तो इसमें एक करेंट फ्लो होती है, एसी ही देते हैं हम ट्रांसफार्मर में, देखिए तो एक करेंट फ्लो होती है, और उस करेंट के वजह से होता यह है, लेट मी मेक इट सीरियसली, ठीक है, होता यह है कि इसमें एक फ्लक्स डेवलप होता है, और ये फ्लक्स क्या करता है, इस कोर की मदद से ये फ्लक्स फाई है ना, ये फ्लक्स इसमें ट्रेवल करता है, ट्रेवल करने का मतलब ये क्लोज लूप बनाता है और इस प्रकार से ये ट्रेवल करता रहता है, ठीक है। तो होता ये है कि ये फ्लक्स जो प्राइमरी में उत्पन्न हुआ और ये सेकेंडरी से लिंक किया, यानी कि यहाँ एसी है, फ्लक्स चेंज हो रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, तो फ्लक्स जो डेवलप हुआ सेकेंडरी को जो लिंक किया उस फ्लक्स में चेंज हुआ, एंड ड्यू टू द चेंज इन द फ्लक्स एक क्वाइल है इसके ऊपर से, उस क्वाइल में एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। यदि हम इसको E1 का नाम दे देते हैं, यदि इसको E1 का नाम देते हैं और इसको हम E2 का नाम देते हैं, तो एक ईएमएफ डेवलप हो गया जिसे हम इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द सेकेंडरी ऑफ द क्वाइल ऑफ अ ट्रांसफार्मर बोलते हैं, समझ पा रहे हैं। और यदि सेकेंडरी सर्किट का क्लोज है, सपोज करिए हमने सर्किट को क्लोज किया है, कोई लोड जोड़ रखा है, तो इसमें एक करंट भी फ्लो होने लगेगी। सपोज करिए हमने एक लोड से कनेक्ट किया हुआ है तो इसमें एक करंट भी फ्लो होने लगेगी जिसे हम I2 का नाम दे देंगे। इधर I1 फ्लो हो रहा था, ये हमने AC दे रखा था, AC एनालिसिस से हमने AC वोल्टेज से जोड़ रखा था, यानी प्राइमरी का वोल्टेज लेवल E1 है, सेकेंडरी का वोल्टेज लेवल E2 है। सपोज करिए प्राइमरी साइड में हमारे नंबर ऑफ जो
टर्न्स हैं, नंबर ऑफ टर्न्स किसे बोलते हैं, एक क्वाइल एक चक्कर पूरा करने में कितने हैं तो उसको एक बोलेंगे, एक पूरा चक्कर जो क्वाइल का है एक पूरा चक्कर उसे एक बोलेंगे, दो टर्न, तीन टर्न, चार टर्न, पांच टर्न, देखिए आप एक टर्न, दो टर्न, तीन टर्न, चार टर्न, इसमें चार टर्न हो गया, इस तरह से जो है कि हम लोग नंबर ऑफ टर्न्स। तो सपोज करिए हमारा जो ट्रांसफार्मर हमने एज्यूम किया है उसके प्राइमरी साइड में एन नंबर ऑफ ट्रांसफार्मर ए वन है, दूसरे साइड में एन टू है आपका क्या नंबर ऑफ क्वाइल, दूसरे में एन टू है, यहाँ इंड्यूस ईएमएफ ई वन है, वोल्टेज जो हमने सप्लाई किया है ईएमएफ ई वन है और जो इंड्यूस ईएमएफ है ई टू है, ठीक है। तो फैराडे लॉ ऑफ इंडक्शन ये कहता है, फैराडे लॉ ऑफ इंडक्शन ये कहता है कि जो प्राइमरी और सेकेंडरी साइड फैराडे लॉ ऑफ इंडक्शन से ही यहाँ पे ईएमएफ जनरेट हुआ, और उसी के अकॉर्डिंग वो भी ये कहता है कि जो जो ईएमएफ डेवलप होता है पर यूनिट टर्म सेम होता है, यानी पर यूनिट टर्म, पर यूनिट टर्म जो ईएमएफ होता है वो सेम होता है। बोले तो इससे आप क्या समझ रहे हैं उसको मैं समझाने का प्रयास करता हूं। तो एक बात और समझ लीजिए, ये तीन समझ लिए आप ना, एक बात और समझाऊंगा उसको समझिएगा, कांस्टेंट स्टैटिक डिवाइस है, कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी डिवाइस है और कांस्टेंट फ्लक्स डिवाइस है, कांस्टेंट फ्लक्स डिवाइस है यानी कि फ्लक्स भी बढ़ता घटता नहीं है, फ्लक्स कांस्टेंट रहता है, समझिए आप। अभी मैं ईवन ईटू बता, तो फैराडे लॉ ऑफ इंडक्शन ये कहता है कि आपने कितना ईएमएफ यहां उत्पन्न हुआ ईवन, सपोज करिए ईवन बाई एनवन कर दीजिए क्या निकलेगा, दिस इज द ईएमएफ ऑफ प्राइमरी पर यूनिट टर्म, प्राइमरी पर यूनिट टर्म इज इक्वल टू ईएमएफ ऑफ सेकेंडरी पर यूनिट टर्म, यानी ईवन बाई एनवन इज ऑलवेज इक्वल टू ईटू बाई एनटू, इस बात को हमेशा याद रखा जाता है। अगर हम चाहें तो थोड़ा बहुत अपने हिसाब से बदलाव करना चाहें, E2 को इधर ले जाइए, N1 को उधर ले जाइए, तो आप इसी को आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, E1 by E2 is equal to N1 by N2, और हम अपने हिसाब से जानते हैं E1 by E2 equal to N1 by N2 is equal to क्या होता है, एक्चुअली होता ही है, आप इसको हमेशा याद रखेंगे I2 by I1। आप कुछ भी भूल जाएं इस इक्वेशन को आपको नहीं भूलना है जब तक कि आपके पास ट्रांसफार्मर है, whenever you are studying transformer you cannot forget this equation, लेकिन याद रखिएगा ये आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए है। आइडियल ट्रांसफार्मर बोले तो एक ऐसा ट्रांसफार्मर जिसके प्राइमरी और सेकेंडरी में कोई लॉस न होता हो, जितना फ्लक्स यहां से डेवलप हुआ सारा फ्लक्स यहां से पास होता हो, लिंक करता हो, उसको हम लोग आइडियल बोलेंगे। तो ट्रांसफार्मर को हम दो भागों में बांट सकते हैं, एक प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर, एक आइडियल ट्रांसफार्मर। यानी कि प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर क्या हुआ, प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर वो ट्रांसफार्मर हुआ जिसमें कुछ लॉसेस होते हैं, भाई इसमें हमने करंट दिया, इसमें कॉइल है, कॉइल में क्या कॉपर है, कॉपर है तो कॉपर में हीट इफेक्ट होगा, हीट इफेक्ट की वजह से क्या होगा, कुछ आई स्क्वायर और लॉसेस होंगे, कुछ कॉपर लॉस होगा, कुछ कॉपर लॉस प्राइमरी में होगा, कुछ कॉपर लॉस सेकेंडरी में होगा, कुछ फ्लक्स इसमें जा रहा है, मे बी कि कुछ फ्लक्स क्या करे, कुछ फ्लक्स मे बी कि कुछ फ्लक्स यहीं से इधर से आ जाए, लीक ना करे सेकेंडरी को, तो इसको हम लोग बोलते हैं लीकेज फ्लक्स। क्या बोलते हैं आप इसको, बोलते हैं लीकेज फ्लक्स। याद रखिएगा लीकेज फ्लक्स वो फ्लक्स होता है जो प्राइमरी में उत्पन्न तो होता है लेकिन सेकेंडरी को लिंक नहीं करता है, दोस फ्लक्सेस आर नोन एज लीकेज फ्लक्स, और जितने भी फ्लक्स इससे पास थ्रू होता है वही तो डेवलप करेगा ईएमएफ। तो यानी कि कितना ईएमएफ डेवलप हुआ सेकेंडरी में ये बात इस पर डिपेंड करती है कि कितना फ्लक्स लिंक हुआ और हमारे नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, समझ रहे हैं। यदि प्राइमरी के अपेक्षा सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा हैं तो इसका वोल्टेज लेवल ज्यादा हो जाएगा, समझ रहे हैं। यदि यहां से देखिए, इफ सपोज करिए ये वाला इक्वेशन मैंने बता दिया ना, इफ ई1 ग्रेटर देन ई2 देन एन1 ग्रेटर देन एन2, मैं वही अभी बताने का प्रयास करता हूं, एक बार इरेज करता हूं, होप इससे आप कंफर्टेबल है। ये प्राइमरी साइड बोलते हैं जिसे हम करंट देते हैं, इधर सेकेंडरी साइड है जिधर से हम लोग करंट लेते हैं, ये कांस्टेंट फ्लक्स डिवाइस है, ठीक है, ये हमेशा चलता रहता है कांस्टेंट फ्लक्स, एक स्टैटिक डिवाइस है, फ्रीक्वेंसी बदलती नहीं है, एक स्टैटिक डिवाइस है। इसकी जो प्राइमरी और सेकेंडरी क्वाइल्स है, कितनी बड़ी बात है आप समझिए, प्राइमरी एंड सेकेंडरी क्वाइल ऑफ ए ट्रांसफार्मर आर इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड, ये इलेक्ट्रिकली जुड़े नहीं है, ये यहाँ है करंट यहीं तक थी और इधर करंट इधर है, यानी कि इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड हैं, अलग अलग होते हैं लेकिन मैग्नेटिकली कपल्ड होते हैं, बहुत बड़ी बात है आप याद रखिएगा। यानी सेकेंडरी एंड द प्राइमरी कॉइल ऑफ ए ट्रांसफार्मर आर इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड बट मैग्नेटिकली कपल्ड विथ ईच अदर,
ये मैग्नेटिकली कपल्ड होते हैं। फाई फ्लक्स वगैरह क्या है, ये सब मैग्नेटिक का फील्ड का बात है ना, फ्लक्स हुआ, वेबर हुआ, उसकी यूनिट हुई, यानी मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी हुआ, सब ये मैग्नेटिक का जो है टर्म्स है, यानी कि ये मैग्नेटिकली कपल्ड है लेकिन इलेक्ट्रिकली आइसोलेट। अभी करंट वोल्टेज की बात हमने यहाँ तक की है, इधर कोई करंट वोल्टेज नहीं, इधर से करंट वोल्टेज की बात किया गया, समझ रहे हैं आप उम्मीद है। यानी कि यदि आपके पास, यानी कि स्टेप अप की बात कब करेंगे, यदि आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स ग्रेटर हो प्राइमरी की अपेक्षा, यदि दूसरा जो क्वाइल है जो सेकेंडरी है, इफ द सेकेंडरी ऑफ द क्वाइल इज हैविंग मोर नंबर ऑफ टर्म्स देन द प्राइमरी, देन इट इज नोन एज स्टेप अप। तो इसके वजह से होता क्या है, E2 भी ग्रेटर देन E1 हो जाता है। यानी कि यदि सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्म्स ज्यादा है प्राइमरी की अपेक्षा, तो इसमें जो वोल्टेज उत्पन्न होगा, ईएमएफ जो डेवलप होगा, इंड्यूस्ड होगा, वो भी ज्यादा होगा। इफ N2 ग्रेटर देन N1 बाय डिफॉल्ट E2 भी ग्रेटर देन E1 हो जाएगा। इसी को हम लोग बोलेंगे स्टेप अप ट्रांसफार्मर। चलिए स्टेप डाउन के बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस कर ही लेते हैं। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर भी वो ट्रांसफार्मर होता है जिसमें वोल्टेज लेवल घटता है। घटने का मतलब क्या है कि हमारे पास जो N2 होता है वो N1 से कम होता है, उम्मीद रखता हूं दिख रहा है। यानी कि N2 यानी नंबर ऑफ सेकेंडरी टर्न इज लेस देन नंबर ऑफ प्राइमरी टर्न, यानी कि इधर का जो टर्न है कम है इसकी अपेक्षा, इसलिए इसमें जो वोल्टेज डेवलप होता है वो भी कम होता है इसकी अपेक्षा, इसलिए इसको स्टेप डाउन बोलते हैं। यानी कि आप लिख सकते हो E2 भी लेस देन E1 होगा। दैट इज व्हाट वी हैव टू डिस्कस, प्राइमरी सेकेंडरी E1 E2 N1 N2 स्टेप अप स्टेप डाउन, ये सारा कुछ रहा ट्रांसफार्मर के बारे में। ट्रांसफार्मर आप सबने देख लिया, मैंने प्रैक्टिकली दिखाया भी, और आप अपने घर से बाहर गांव में भी या शहर में भी जिधर भी चौराहा वगैरह है तो साइड में लगा होता है, ठीक है, यूजली ट्रांसफार्मर लगा होता है, आप देख सकते हो। ट्रांसफार्मर भी कई प्रकार का होता है, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर होता है, थ्री फेज ट्रांसफार्मर होता है, ठीक है। तो ट्रांसफार्मर के कंस्ट्रक्शन के बारे में थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लें, तो ये प्राइमरी साइड हुई, ये सेकेंडरी साइड हुआ, ये मैग्नेटिकली जो है कपल्ड होता है, ठीक है। अब होता ये है कि इसमें जो फ्लक्स डेवलप होता है इसको लिंक करता है, और ये लिंकिंग की वजह से इसमें एक चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स आता है जिसकी वजह से कि ईएमएफ डेवलप हो जाता है, ठीक है। तो ये सारे रहा, तो ट्रांसफार्मर के बारे में थोड़ा सा हम लोग और डिस्कस को आगे बढ़ाएं, तो हम डिस्कस करते हैं थोड़ा सा इसके लॉसेस के बारे में, कितने प्रकार के लॉसेस होते हैं। तो ट्रांसफार्मर में कई प्रकार के लॉसेस होते हैं, लेकिन सबको हमने दो भागों में बांट दिया है, एक कांस्टेंट लॉसेस, एक वेरिएबल लॉसेस। चलिए आप नोट कर सकते हो, उम्मीद रखता हूँ ये सारे पॉइंट्स। फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती है, देखिए एक बात बताना मैं भूल गया, यदि वोल्टेज बढ़ते हैं, स्टेप अप बोल रहे हैं ना, स्टेप अप में क्या होता है मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। स्टेप अप में क्या होता है, ये वाला इक्वेशन याद रखिए, आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए लेकिन थोड़ा सा एक बात बता लूं उसके बाद, ठीक है। अभी आप समझिए, काफी चीजें समझने को है ट्रांसफार्मर को, ट्रांसफार्मर को एक लेक्चर में नहीं खत्म किया जा सकता, लेकिन मैं प्रयास कर रहा हूँ खत्म करने का। चलिए अभी आप समझिए क्या बताने वाला था मैं, फ्रीक्वेंसी यस, यानी कि स्टेप अप के बारे में मैं बताया था कि यदि N2 ग्रेटर देन N1 है, नंबर ऑफ सेकेंडरी ग्रेटर देन नंबर ऑफ प्राइमरी है, तो अपना जो ईएमएफ डेवलप होगा किसमें, सेकेंडरी कॉइल में, वो ज्यादा होगा प्राइमरी की अपेक्षा। अच्छा तो फिर करता क्या, इसका मतलब वोल्टेज पैदा कर दे रहा है क्या, बिल्कुल पैदा कर रहा है, लेकिन किस कास्ट पे, किस कीमत पे, तो करंट को घटा देता है। यानी कि जो अपना स्टेप अप है, जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर है अपना, स्टेप अप ट्रांसफार्मर में दो चीजें, एक वोल्टेज और दूसरा करंट। तो जो वोल्टेज होता है, वोल्टेज यदि हम बढ़ा रहे हैं तो करंट घटता है, और करंट घट रही है यानी कि वोल्टेज बढ़ेगा, यानी कि ये कुछ अलग नहीं करता है, वोल्टेज बढ़ाता है तो करंट घटाता है ट्रांसफार्मर, और यदि करंट घटा रहा है तो वोल्टेज बढ़ाता है। स्टेप अप में क्या करता है, वोल्टेज बढ़ाता है तो करंट घटा देता है, और स्टेप डाउन में क्या करता है, स्टेप डाउन में वोल्टेज घटा देता है तो करंट बढ़ाता है। जो स्टेप अप है और स्टेप डाउन है, इनको हम वोल्टेज के आधार पर एक्चुअली बांटे हुए हैं। हम वोल्टेज लेवल को बढ़ाते नहीं बल्कि घटाते हैं, तो करंट का क्या करेंगे, करंट को हमें बढ़ाना पड़ेगा। तो इसका मतलब वोल्टेज बढ़ा, करंट घटा, करंट घटा, वोल्टेज क्या है, ये लोचा क्या है, आखिर लोचा क्या है दोनों का, उसको मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। समझाने का बात यह है कि यदि हम करंट घटाएं, वोल्टेज बढ़ाएं, वोल्टेज बढ़ाएं, करंट घटाएं, इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे प्राइमरी साइड पावर है
जो हमारी अपेरेंट पावर है, यानी कि मैं बनाने का प्रयास करता हूँ, उम्मीद रखता हूँ आप मुझसे नाराज नहीं होंगे, ठीक है, मैं बनाने का प्रयास कर रहा हूँ, देखिए, ठीक है, ये प्राइमरी साइड रही, ये सेकेंडरी साइड रही, बता ये रहा हूँ कि इधर जो पावर दे रहे हैं, आई दे रहे हैं, वी दे रहे हैं, इधर भी कोई करंट आई टू हो रही है, आई वन वी वन आई टू और मान लीजिए वी टू डेवलप हो रही है। होता ये है ट्रांसफार्मर में कि प्राइमरी साइड जो अपेरेंट पावर है, टाइप ऑफ पावर, एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर, ट्रू पावर, अपेरेंट पावर, सब पढ़ा चुका हूं आपको लास्ट के लास्ट वीडियो में, अभी आप समझिए। होता ये है कि वी वन आई वन इज इक्वल टू होता है वी टू आई टू, ये चीज मैं बताने वाला था, यानी कि एस वन बराबर होता है एस टू के। कहने का मतलब प्राइमरी साइड हम जितना पावर देंगे अपेरेंट पावर, सेकेंडरी साइड उतना ही पावर निकलेगा। होता यह है कि इधर वोल्टेज हम बढ़ाने का प्रयास करते हैं, यदि V2 बढ़ाते हैं तो I2 घट जाता है, क्योंकि कांस्टेंट रखना है ना हमको, V2 बढ़ाते हैं तो I2 घट जाता है, अगर हम V2 घटाते हैं तो I2 बढ़ जाता है, स्टेप अप में हम V2 को बढ़ा देते हैं तो I2 घट जाता है, सॉरी बताया करिए कि गलती हो रही है ना, V2 बढ़ाते हैं तो I2 घट जाता है, I2 अगर V2 घटाते हैं तो I2 बढ़ जाता है, यानी कि अपेरेंट पावर यानी V into I जिसे S से डिनोट करते हैं, अपेरेंट पावर कांस्टेंट होता है। आइए एक छोटा सा न्यूमेरिकल करेंगे, उसके बाद हम लोग थोड़ा सा लॉसेस के बारे में चलेंगे, चर्चा करेंगे। तो चलिए नोट करिए, ये क्वेश्चन है आप नोट कर सकते हैं, क्वेश्चन में पढ़ रहा हूँ, देखिए कह रहा है कि एक ट्रांसफार्मर है, एक ट्रांसफार्मर मैं ऐसे लिखता हूँ, ठीक है, एक ट्रांसफार्मर हैज एफिशिएंसी ऑफ 80%। एफिशिएंसी तो मैंने बताया नहीं, आपको भी नहीं पता है, मैं बताऊंगा, आप चिंता मत करिए। ए ट्रांसफार्मर हैज एफिशिएंसी ऑफ 80%, इट कह रहा है कि इट वर्क्स एट, एक्चुअली ये इट रहा होगा, इट वर्क्स एट 4 किलोवाट एंड 100 वोल्ट, ठीक है, कह रहा है कि इफ द सेकेंडरी वोल्टेज इज 240 वोल्ट, कह रहा है कि फाइंड करिए आप प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल के करंट्स को, यानी कि आपके पास एक ट्रांसफार्मर है कुछ इस प्रकार से, ठीक है, ये ट्रांसफार्मर है, इसके पास एक प्राइमरी कॉइल है, ठीक है, एक प्राइमरी कॉइल है, ठीक, और एक सेकेंडरी कॉइल है, ठीक है। अब आपको कह रहा है कि प्राइमरी कॉइल में जो वोल्टेज लेवल है, एक्चुअली इसकी एफिशिएंसी 80% है। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी क्या होती है। किसी भी चीज की जो एफिशिएंसी होती है वो आउटपुट अपन इनपुट होती है, यानी कि हमने आउटपुट कितना दिया वर्सेस हमने इनपुट कितना लिया। सपोज करिए हम 100 किलो जूल एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं और 80 किलो जूल हम वर्क डन कर रहे हैं, तो एफिशिएंसी कितना हुआ, तो 80 अपॉन 100 यानी 80% हुई है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी को हम ईटा से डिनोट करते हैं, एफिशिएंसी इक्वल टू होता है आउटपुट अपॉन इनपुट। किसी भी ट्रांसफार्मर के लिए एफिशिएंसी होता है आउटपुट अपॉन इनपुट। मैं अलग से एफिशिएंसी नहीं बता रहा हूं, इसी में बता दे रहा हूं आपको, एफिशिएंसी आउटपुट अपॉन इनपुट होता है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती है, आउटपुट अपॉन इनपुट। आउटपुट क्या होगा, अभी अगर बात करें तो E2 I2 हो जाएगा अपॉन E1 I1 हो जाएगा, ठीक है, ईटा की बात कर रहे हैं, ठीक है। एक्चुअली क्या है, हम लोग अभी मतलब 12th लेवल तक आइडियल ट्रांसफार्मर ही पढ़ते हैं, इसलिए हम लोग सीधे फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, यानी कि प्रैक्टिकल वाला कोई अप्लाई ना करने लगे E2 I2 cos थीटा समथिंग टाइप, ठीक है। अभी ईटा इक्वल टू E2 I2 इज इक्वल टू अपन ये रहेगा अपना E1 I1, यानी कि ये रहा पावर ऑफ सेकेंडरी, यानी कि पावर ऑफ सेकेंडरी अपन पावर ऑफ प्राइमरी, यानी हमने प्राइमरी में कितना पावर दिया उसके अपेक्षा कितना काम निकला, तो कितना काम निकला अपन कितना हमने काम वर्क एनर्जी दिया, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं एफिशिएंसी। एफिशिएंसी उसी को बोलते हैं, इस क्वेश्चन को लगा कर हम लोग समझेंगे एफिशिएंसी। एफिशिएंसी 80% दिया है, यानी कि जो ट्रांसफार्मर है उसके ट्रांसफार्मर में यदि हम 100 किलो जूल एनर्जी दे रहे हैं, 100 वाट एनर्जी दे रहे हैं, तो 80 वाट एनर्जी यहां से ले रहे हैं, 20 किलो वाट लॉस में जा रहा है ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर के लॉस के बारे में भी डिस्कस हमें करना है। आइए थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, इसको क्वेश्चन को लगाते हैं। सबसे पहले तो ये समझते हैं कि ये जो पावर दिया है, पावर हमारा जो दिया है, आपको पता है S इज इक्वल टू क्या होता है, S इज इक्वल टू होता है V1 I1 इज इक्वल टू V2 I2। किसी आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए अपेरेंट पावर कॉन्स्टेंट होता है। अब S इज इक्वल टू आपको पता है 4 × 10⁴ है, इतना दिया है 4 किलो वाट इज इक्वल टू V1 आपको पता है कितना 100 वोल्ट, I1 पता है आपको नहीं पता है, 100 × I1 कर दीजिए। अभी जो I1 का मान निकलेगा, I1 इज इक्वल टू हो जाएगा 40 एम्पियर, यानी कि जो हमारे प्राइमरी में करंट फ्लो करेगा, जो यहाँ करंट फ्लो हो रहा है एक्चुअली यहाँ पे, वो आपको मिल गया आपको 40 एम्पियर।
यानी कि इधर हमने वोल्टेज कितना दिया था, वोल्टेज दिया था 100 वोल्ट, 100 वोल्ट यहाँ वोल्टेज दिया, 40 एम्पीयर करंट दिया, इसी को हमने सेकेंडरी में इंड्यूस करा दिया। इंड्यूस किया तो सेकेंडरी वोल्टेज आपको दे दिया है कितना, 240 वोल्ट तो दे दिया आपको, ठीक है 240 वोल्ट दे दिया। क्या आप करंट नहीं निकाल सकते? आपको आइडियली पता है ना V1 I1 इज इक्वल टू V2 I2, वेरी वेल। ट्रांसफार्मर का ये आइडियल इक्वेशन होता है, आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए पावर इक्वेशन होता है, तो वहां से आप निकाल सकते हैं इस इक्वेशन की मदद से V1 I1 इज इक्वल टू V2 I2, ठीक है, यानी V1 I1 इज इक्वल टू V2 I2। चलिए वहां से यदि हम करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है। करना ये है कि इफिशियंसी एक्चुअली क्या है, अपना जो इफिशियंसी दिया था, इफिशियंसी क्या होता है, इफिशियंसी होता है आउटपुट अपॉन इनपुट, आउटपुट बोले तो E2 I2 अपॉन E1 I1, E1 नहीं सॉरी ये होगा आपका E1 I1, बोल तो सही रहा हूँ लिख गलत रहा हूँ। यदि ट्रांसफार्मर की इफिशियंसी 100% है तब हम लोग लिखते हैं, क्या लिखते हैं, E1 I1 इज इक्वल टू E2 I2। यदि ट्रांसफार्मर 100% इफिशियंट है, आइडियल ट्रांसफार्मर की इफिशियंसी 100% होती है, कोई लॉसेस नहीं होते हैं, कोई ईडी करंट नहीं लॉस, कोई ट्रांसफार्मर लॉस नहीं होता है, कोई स्ट्रे लॉसेस नहीं होता है, कोई हिस्टेरेसिस नहीं लॉस होता है, समझ रही है। तो ये वाला फॉर्मूला जो है तभी हम इस्तेमाल करेंगे जब ट्रांसफार्मर आपका 100% इफिशियंसी का हो, बोले तो आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए। तो अभी इफिशियंसी इज इक्वल टू E2 I2 अपॉन E1 I1, अभी इफिशियंसी आपको 80% दिया हो, परसेंट को हटाइए आप, 100 अपॉन 80 अपॉन 100 इज इक्वल टू E2 I2। E2 कितना दिया आपको, E2 पता है आपको 240, I2 पता है क्या, नहीं पता है, मत पता है तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए E1 को रखिए, E1 की वैल्यू कितना रखेंगे हम, E1 की वैल्यू मुझे याद है कितना आया था, 100 था, ठीक है, 100 इंटू कितना था, I1 की वैल्यू अभी हमने निकाला 40। अब हमें I2 यहां से सब्जेक्ट करना है, नहीं कर पाएंगे आप, बिल्कुल कर लेंगे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 0 से ये वाला, ये 100 से आप 100 यहां से कैंसिल कर दीजिए, आपको मिलेगा 80 × 40 अपॉन 240। जब ये आप इसको कैलकुलेट करेंगे 83 जा और इसको कटाएंगे तो ये 13 × 39 13.3 के आसपास मिल जाएगा, यस बिल्कुल, ये देखिए 40 एम्पीयर 33.8 एम्पीयर, यानी कि जो I2 होगा करंट इन द सेकेंडरी वो कितना होगा, वो हो जाएगा आपका 13.3 एम्पीयर। और जो प्रैक्टिकली, अच्छा देखिए स्टेप अप स्टेप डाउन में आप समझिए, 100 वोल्ट था प्राइमरी में, सेकेंडरी 240 वोल्ट, यानी कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर में मैंने बताया था कि यदि वोल्टेज बढ़ा रहे तो करंट घटना चाहिए, अभी देखिए क्या हो रहा है, प्राइमरी में कितनी करंट थी, प्राइमरी में 40 एम्पीयर करंट थी, सेकेंडरी में कितनी है, 13.3 एम्पीयर। क्या ये घटा कि नहीं घटा, घटा, क्यों घटा, क्योंकि स्टेप अप मतलब वोल्टेज बढ़ाएंगे लेकिन करंट घटाएंगे, ये होता है स्टेप अप और स्टेप डाउन का। आइए थोड़ा सा लॉसेस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं हम लोग जल्दी से, क्योंकि हमें बाइंड अप करना है, हमारे पास 2-4 मिनट बचा हुआ है, ठीक है। तो लॉसेस इन ट्रांसफार्मर, लॉस नहीं होता ट्रांसफार्मर में, इफिशियंसी 100% होती तो हम आइडियल ट्रांसफार्मर कहते हैं, और जितना इनपुट देते उतना ही आउटपुट निकलता है। लॉसेस के बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है, देखते हैं अभी लॉसेस कितना हो पाता है। लॉसेस में हम लोग दो भागों में बटे हुए हैं, एक तो हम लोग बोलते हैं कॉन्स्टेंट लॉस वो लॉस होता है जो कि होना ही होना है, आप चाहें न चाहें उसको आप रिड्यूस नहीं करते कर सकते। लॉसेस को आप वो दो भागों में बांटे हैं, लॉसेस को हमने दो भागों में बोल दिया है, कौन कौन सा, कॉन्स्टेंट लॉसेस को ही हम लोग आयरन लॉस बोलते हैं, इसी को हम आयरन लॉस भी बोलते हैं, ठीक है, आयरन लॉस बोलते हैं। और एक होता है वेरिएबल लॉस बोले तो इसको हम लोग बोलते हैं, कॉन्स्टेंट लॉस में दो होता है, एक हिस्टेरेसिस लॉस और एक होता है ईडी करंट लॉस, ठीक है। मैंने बताया ना ट्रांसफार्मर में, अभी दिखाया आपको कि ये जो है कि लैमिनेटेड कोर होता है, इसका कोर लैमिनेटेड पतले शीट से बना होता है, ईडी करंट को लॉस को रोकने के लिए, एक्चुअली उसको रिड्यूस करने के लिए। आमतौर पे वन लाइनर में पूछता है हाउ कैन वी रिड्यूस द ईडी करंट लॉस इन अ ट्रांसफार्मर, बेझिझक आपको बता देना है विद द हेल्प ऑफ लेमिनेशन ऑफ ए कोर, कोर को लैमिनेट करके पतले शीट के रूप में चेंज करके हम ईडी करंट को रोक सकते हैं। हिस्टेरेसिस लॉस क्या होता है, हिस्टेरेसिस लॉस ये होता है कि एक्चुअली एसी क्या होता है, जो एसी के जो कोर है अपना ट्रांसफार्मर का, मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज वो होता रहता है, एक्चुअली ये होता रहता है इस तरह से, आपका मैं सही बना नहीं पा रहा हूँ, देखिए ठीक है, ये ऐसे बन के ऐसे बनता है, ठीक है, कुछ ऐसे, ठीक है, ये रहा तो मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज, देखिए अभी मैग्नेटाइज हुआ, ये हमने करंट को बढ़ाया,
करंट को जैसे ही बढ़ा रहे हैं, देखिए करंट को बढ़ा रहे हैं, ये मैग्नेटाइज हो रहा है, मैग्नेटाइज हुआ। अब करंट को घटा रहे हैं, देखिए इस पे करंट घटा रहे हैं, डीमैग्नेटाइज, तो कुछ उसके पास मैग्नेटिज्म अभी बचा रहा है। इसको हम लोग बोलते हैं रिटेंटिविटी। माने वो मैग्नेटिज्म जो अभी अवशेष के रूप में रह गया है ट्रांसफार्मर कोर में, उसको रिटेंटिविटी बोलते हैं, ठीक है। और इसको जितने तक मैक्सिमम जाता है उसको कोर रेसिस्टिविटी बोलते हैं। अभी देखिए एक मिनट नहीं सॉरी अभी जो अब क्या करेंगे, हम करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर रहे हैं, करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करेंगे तो इसमें जो मैग्नेटिज्म है वो जीरो हो जाएगा कुछ करंट के बाद। तो इसको हम लोग बोलते हैं कोर रेसिस्टिविटी। अब देखेंगे कोर रेसिस्टिविटी बोलते हैं इसको, रिटेंटिविटी बोलते हैं। तो और इसे को बोलते हैं हम लोग मैग्नेट हिस्टेरेसिस लूप। इस लूप को क्या बोलते हैं हम लोग, हिस्टेरेसिस लूप बोलते हैं, ठीक है। आमतौर पे ट्रांसफार्मर में मैग्नेटिज्म डीमैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटाइजेशन डीमैग्नेटाइजेशन हमेशा होता रहता है, इसलिए हम लोग ट्रांसफार्मर में सॉफ्ट आयरन कोर इस्तेमाल करते हैं। सॉफ्ट आयरन कोर, कोई पूछता है किस प्रकार का आयरन कोर इस्तेमाल होता है, सॉफ्ट आयरन कोर। मटेरियल कोर का मैग्नेटिक मटेरियल कैसा होता है, सॉफ्ट आयरन कोर का होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो है कि ये मैग्नेटिज्म डीमैग्नेटिज्म जल्दी जल्दी मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज ये हो जाता है, इसलिए आइडियल के लिए बहुत पतला होना चाहिए, ठीक है, बहुत पतला होना चाहिए। रिटेंटिविटी कम होनी चाहिए, कोर रेसिस्टिविटी कम होनी चाहिए, मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज जल्दी से हो जाना चाहिए, ठीक है। ये आपका पास हिस्टेरेसिस लॉस, ये कोर एडी करंट लॉस, ये दोनों को हम कोर लॉसेस बोलते हैं, या ये भी बोल सकते हैं आयरन लॉसेस। ये कांस्टेंट है, ये इसको होना ही होना है। वेरिएबल लॉसेस क्या होते हैं, इसको हम कॉपर लॉस भी बोलते हैं, CUPPER कॉपर लॉस बोलते हैं। ये दो प्रकार के मतलब एक तो प्राइमरी में भी बाइंडिंग है, एक सेकेंडरी में भी है। तो प्राइमरी में भी I²R1 लॉसेस होगा, देखिए I²R1 हो जाएगा प्लस के I²R2 भी हो जाएगा। ये वेरिएबल लॉस का मतलब कि जो प्राइमरी में कॉइल है उसके रेजिस्टेंस के वजह से एक लॉस होगा I²R, और जो है कि I²R2 की वजह से भी एक लॉस होगा। दो टोटल को वेरिएबल, करंट घटता है बढ़ता है तो ये वेरी करता रहता है, समझ में आया। तो उम्मीद रखता हूँ ये जो टोटल आपका आज का जो सेशन रहा ट्रांसफार्मर का आपको पसंद आया होगा। 12th लेवल तक मैंने पढ़ा दिया है, इसमें से कोई भी चीज़ एक्स्ट्रा नहीं आ सकती 12th लेवल। एक्चुअली हिस्टेरेसिस लॉस का फार्मूला होता है निकालने का, हिस्टेरेसिस लॉस कैसे होता है, ईडी करेंट लॉस निकालने का फार्मूला होता है, मैं सारा कुछ बता सकता हूँ। चूंकि मुझे एक ही क्लास में इसको वाइंड अप करना है, इसलिए मैंने इसको बस इतना ही रखा आपके जानकारी के लिए। सॉफ्ट आयरन को इस्तेमाल होता है कॉन्स्टेंट फ्रिक्वेंसी, और कॉन्स्टेंट फ्लक्स, मैग्नेटिकली कपल्ड, इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड डिवाइस होता है, स्टैटिक डिवाइस होता है, जो वोल्टेज लेवल को एक लेवल से दूसरे लेवल तक बढ़ाता है। यदि वोल्टेज बढ़ाएगा करंट घटाएगा, करंट घटाएगा वोल्टेज बढ़ाएगा, यानी कि जो अपेरेंट पावर होता है वो कांस्टेंट होता है। उम्मीद रखता हूँ ट्रांसफार्मर से आप रूबरू हो चुके हैं। कमेंट में लिखकर जरूर बताइए आपको ये सेशन कैसा लगा। यदि आपको कुछ और चाहिए, एडिशनल चाहिए, मैं बेझिझक कोई और भी वीडियो आपके लिए तैयार कर सकता हूँ। सो थैंक यू, बने रहिए, शेयर करिए, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच।